हिसार में इनसो अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है और स्थापना दिवस को लेकर विशाल कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी नेता अजय के साथ दिग्विजय चौटाला ने शिरकत की है। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला से स्थापना दिवस को लेकर खास बातचीत की, सुनिए। हिसार की अनाज मंडी में इनसो द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम तरह के यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, यहाँ पर सभी नेतागण भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी काफ़ी संख्या में स्टूडेंट आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में, तो ऐसे में स्टेज पर भी देख सकते हैं यहाँ काफ़ी नेता आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अनूप दानक जी हैं, मंत्री हैं, दिग्विजय चौटाला जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है? एक ही मुद्दा है, छात्र संघ चुनाव का, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ के चुनाव बहाल हो, यही हमारी सोच है। सर, इसमें छात्रों की एक और भी मांग थी कि जो फीस की बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर भी छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था। ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे अगर छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएंगे। ये अंतिम सवाल ये रहेगा, अगर लोकसभा चुनाव का अगर कह रहे हैं कि भी दीवानी है हिसार से, क्या आप हिसार से भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ये तो मेरी क्या हैसियत है, मैं तय करूं, पार्टी तय। ये थे दिग्विजय चौटाला, इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो छात्र संघ की जो चुनाव की बहाली को लेकर रैली की जा रही है तमाम, तो उन्होंने अभी यही कहा कि छात्रों की यही मांग है, तो इसको लेकर तमाम तरह के जो हरियाणा के जो स्टूडेंट आए हुए हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।